फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं बढ़िया सा भरवा और बढ़िया सा सूखी सब्जी के लिए मसाला, जिसमें बैंगन, टिंडा, लौकी और कैप्सिकम जैसी सब्जियां जो जिनका फीका फीका स्वाद होता है, उनके लिए हमें मसाला बना रहे हैं। ये मसाला डाल देने से सब्जी का स्वाद 100 गुना बढ़ जाता है और सब्जी खाने में टेस्टी लगने लगती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बढ़िया सा एक पैन लेना है और गैस ऑन करके उसे रख देना है। अब इसके बाद करेंगे क्या, इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाता है तो हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। तो डाल देना है 2 चम्मच जीरा और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच सौंफ। सौंफ डाल देने से क्या होता है, जो सब्जी का स्वाद और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। डाल देना है 1 छोटी चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना, ये कड़वी होती है, इसलिए 1 छोटी चम्मच डालना है। और 1 छोटी चम्मच डाल देना है कलौंजी या मंगरेल। और 2 चम्मच डाल देना है राई दाना। इस सबको मिलाकर अच्छी तरीके से धीमी आंच पर भूनना है, जिससे कि इनका जो कच्चापन और मसाले में जो भी थोड़ी बहुत नमी या मॉइस्चर हो तो वो भूनने से निकल जाए। और इसे धीमी आंच पर इस तरीके से चलाते रहना है। ये मसाला उन सब्जियों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है जो कि फीके स्वाद वाली होती हैं, जैसे कि बैंगन हो गया, लौकी हो गई, और तुम्हारा कैप्सिकम होती है ना वो, और इसके बाद बहुत सारी सब्जियां हैं जैसे टिंडा है। ये सब्जियों में आप कितने भी मसाले डाल दो लेकिन ये सब्जियाँ टेस्टी नहीं लगती जब तक कि ये मसाला, मतलब पंचफूरन मसाला ना डाला जाए। या तड़का लगाएं या पीस कर आप मसाला डालें, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और ये सब्जियां इतनी स्वादिष्ट हो जाती हैं कि आप एक की जगह 2 रोटियां खा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी सब्जी इस मसाले से बन जाती है। और इसी तरह धीमी आंच पर हमें लगातार भूनना है, जिससे कि ये जो मसाला है अच्छे से भुन जाए, जले भी ना और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए। तो बढ़िया सी मसाला जो है वो बन के भुन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हम इसे पैन को बढ़िया सा इस तरह से घुमा देंगे, जिससे कि इसमें जो मसाले थोड़े बहुत कच्चे भी रह गए हों तो वो अच्छी तरह से भुन जाए और जले ना। और बढ़िया से मसाला हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में डाल देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। इसे हम गर्म गर्म में नहीं ग्राइंड करेंगे, इसे बढ़िया ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। और बढ़िया सा ये ठंडा हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मसाले को, डाल देंगे हम ग्राइंडिंग जार में। तो बढ़िया सा हमने इसे मसाला इसमें डाल दिया है और अब इसे बढ़िया सा ग्राइंड कर देंगे। एकदम बारीक पीसना है, दरदरा ना रहे, बढ़िया सा पीस के हम मसाला तैयार कर लेंगे। और हम इसे ढक्कन अच्छे से बस को बंद कर देते हैं और बढ़िया से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये मसाला हमने ग्राइंड कर लिया, देखिए बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है, बहुत ही बढ़िया कलर भी आया है और अच्छे से पिस भी गया है। मसाले को हमने इतना कम भुना है कि बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है। और ये मसाला हमारा बनके फ्रेंड्स तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाकर रखें और सब्जियों को बहुत टेस्टी बनाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने मसाला बनाया या नहीं बनाया। तो ये हमारा मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे, इसको एयर टाइट कंटेनर में हम रख देंगे। तो ये हमारा एयर टाइट कंटेनर हमने ले लिया है, कांच का कंटेनर है, इसमें हम रखेंगे। मॉइस्चर ना जाए तो मसाले सालों साल सुरक्षित रहते हैं, तो इसलिए आप इसे अच्छे सूखे कंटेनर में रख दें। और ये हमारा मसाला हमने कंटेनर में भर दिया है और ये हमारा मसाला बनके भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी या वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।